क्योंकि एक राजा ऐसो निर्मोही जिनो कोई पार नहीं। निर्मोही कहो राजा निर्मोही रो लड़को एक दिन शिकार खेलने वास्ते घरों निकलियो और वो घरों निकलियो जो ही जंगल में प्रवेश करियो और अटिन दिन बदगो घनघोर घटा सायोड़ी बरसात रो मौसम और वो रस्तो भटक गयो। आदमी ने 10 दिन रोटी नहीं मिले तो उन्हें की फर्क नहीं पड़े। घना जना नवरात्र अखंड करे नव नव 10-10 दिन भूखा रह गए हाथ थोड़ी निकले। इन्हीं प्रकार 10 दिन अगर आदमी ने रोटी नहीं मिली तो प्राण निकले नहीं और अगर आदमी 10 दिन नहीं 10 घंटा भी पानी नहीं पियो तो नहा निकल जा साहब एकदम फाइनल बात है। उन राजकुमार ने तिर लागी अटी उटी भटक रही हो पानी की तलाश रे में है जंगल रे में आपो रस्तो पूरो भूलोड़ो विचार करियो जाऊं तो कटी जाऊं मौत आ गई जिनमें कोई दोई राय नहीं है। अटी फिरतो फिरतो एक महाराज री कोई कुटिया नजर आई हो राजकुमार गयो इशारो करियो बोली जनो बंद हो गो कायरो पड़ गो महात्मा ने इशारो करियो पानी रो तो उन टीम लिख गए। एक दिन भूपति अरे खेलन गए शिकार प्यास लगी उस भूप को तो गया गुरु के पास। प्यास लागू जान राजा ने के कहा आये राजा के भाई कटू आयो कहा आये कहा जात हो कहा आये कहा जात हो दी सत्यों अद्भूप एक किन नगरी में रहते हो तुम किन राजा के पूत किन नगरी में जी रहते हो और किन राजा के पूत किन नगरी में रहवे किन राजा रो बेटो है भाई तू है कौन। कुंटी में वो राजकुमार के महाराज पहली पानी पाओ तो माऊ की बोली जेनी हा निकल जाई। कुंटी में महाराज कमंडलू पानी पायो पानी पियो थोड़ो काया तरपत हुई राजकुमार ने बैठनो आसन दियो कि तू कटू आयो किनो कंवरे कटू है भाई दिशत है अद्भूप अद्भूप कहवे आधो राजा यानी राजकुमार लागे कोई क्योंकि इंद्र की घोर में मोर छुपे नहीं सूर्य छुपे नहीं बादल छाया रण झुके रजपूत छुपे नहीं दानी छुपे नहीं घर मंगत आया अरे जोगी का बेश संचल नार का नैन छुपे नहीं प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखाया अरे जोगी का बेश अनेक करे पर कर्म छुपे नहीं बबूत लगाया तू कोई राजकुमार लागे। उनटे में के हे महाराज आप सत्य बात बताई मैं एक राजकुमार हूं तो भाई तू इन जंगल में के महाराज रस्तो भूल गयो तारो पिता कुणे तो उनटे में कहवे राजा निर्मोही वो अटल करता राज ए जिनका कही जू बाल का तो सुनो ऋषि ये महाराज मैं निर्मोही राजा रो बेटो हूँ और निर्मोही नगरी में रहूं। महाराज ने हसो आगो की राजा है तो निर्मोही नहीं और निर्मोही है तो राजा नहीं क्यों राजा ने तो नगरी मोह राजा ने प्रजाऊ मोह क्यों राजा जोगी अग्नि जल राजा जोगी अग्नि जल जारी उल्टी रीत डरता रहे जो पर शराब है थोड़ी पाले प्रीत ये तो कुल प्रीत किन प्रकार उपाले ए निर्मोही नहीं हो सके क्योंकि संसार में राजा ने पार ले रही नगरी में मोह या करे के नहीं साहब मारी नगरी निर्मोही है। उन टेमरे में राजा रोलर को इतनी बात कही महाराज वे हाथों हाथ महात्मा जी कहे कि अगर इतनी खेचन कह दिया हो तो मैं परीक्षा लूं के ले सको तो कि सुनो मेरी बात तो वे महात्मा जी कहे कमरा रावो यहां बैठो कमरा आवो यहां बैठो हम नगरी को जात जे राजा निर्मोही वे हम पल में खबरा लात जे राजा निर्मोही वे तो हम पल में खबरा लात। अगर आपरो पिता या आपरी नगरी हे महाराज निर्मोही है तो मैं मारे तरीके हूं परीक्षा लेनी चाहूं अगर मंजूर वे तो आपरा कपड़ा उतारन मंदो और मारे अबाबे वाली ड्रेस थे पहर लो के मंजूर है सा
अब राजकुमार का कपड़ा वे महात्मा जी लिया है और खुदरा कपड़ा मुन महाराज बनान बैठा दिया और उठू घोड़ो राजा रे लड़के वाले घोड़े री लगाम पकड़ी रही महाराज उठू रवाने जावे और राजा निर्मोई री नगरी में पहुंचे तो सबों पहली गेट माते उभी एक राजा निर्मोई री दासी मिली और उन दासी ने कहीं कहे ओ जी तू सुन सेरी शाम की ए जी बात सुनाओ तो ये जी ए बात सुनाओ तो ये जी तू सुन सेरी शाम की तू सुन सेरी शाम की ये जी बात सुनाओ हरिद्वार गंगे मात की बोलो अमर आत्मा की। अब वहां दासी जो मेन गेट रहे आगे उभी महाराज ने देखा महाराज दंडोत प्रणाम करूं कि मौज करो खुश रहो कि बाप जी आप पधारणो की करवी हो के तू सुन शेरी शेरी नाम दासी रो पर्यावर शब्द हे दासी तू सुन शेरी श्याम की श्याम क्या वे राजा ने तेरे राजा रो एक कंवर है दो दिन जंगल में गिड़ो के हाँ उन्हें एक शेर खत्म कर दियो और एक घोड़ोन कपड़ा मैं लेन आयो कंवर विनाश हो सिंह ने आसन पड़ियो मोए उन लड़के ने मार दियो जिको उन्हीं लाश मारे आसनवाद पड़ी है था राजन जान वो संदेश पहुंचा दे बाकी नामे शेरी श्याम की ना कोई मेरो श्याम है महाराज न कोई मैं दासी हूं न कोई मेरा राजा है के तो थू कुणे ना मैं शेरी श्याम की ना कोई मेरो श्याम ये प्रालब्ध का मेला है महाराज वो प्रालब्ध जुड़ियो रो है या पूरे कवे शरीर हूं पहली प्रालब्ध है जिन घर में जिको आदमी जिन तरीके हूं खानो खा रियो है समझ लो इन घर रो आप रो प्रालब्ध है अरे एक मने दृष्टांत याद आ गो पहला री टाइम एक नामी शेठ हो जो अगले जन्म रपया दे तो आप जीता लेना चाहो जीता ले 10 लाख 5 लाख 20 लाख जीता ले इन जन्म में पया पात नहीं लू अने देव तो किन टाइम सूर्य उदय साक्षी सूर्य और कोई मिनकरी गवानी सूर्य ने साक्षी राख ने 20 लाख मांगिया तो पया दियो तो बेटो एड़ो दातार बनियो रो दो कड़का विचार करियो रे आलो कनी बैड़ा वो इयो पया भेटे ना पो आलो में अगली जन्म कुण देखी बेटा दो ही आगा आ परान के अपर तो लेना आलो परा बे आया नु तीन दिन बदगो शेठ साहब और पहुंचे 1 लाख रुपया सही दिए पैसा आप जीता चाहिए दे उता दूला पर पहली हमें आज दिन बदगो आपने रात रुकनो पड़ी वो के रात रुकना आलो मामलो भाई क्या बिल्कुल सुबह आपने पैसा मिल जाए क्योंकि मैं सूर्य ने साक्षी मान पया दू के चलो कोई बात नहीं रात ना बेटा बाड़े मोच टाली उड़ा दो अरे माचर खाओ बेटी नींद नहीं आई ये पंखा था मैं भी पहला हाथा को अब वहां नींद नहीं आवे नींद नहीं आई उन टाइम में रात आधी हुई एक बड़ा दौर एक गांव ने हेठ रे घर लार बाड़े में बजूड़ो बेटा दो बातों करे वह गांव बोली उन्हें रे के कहीं के थार किता खे ना पया बाकी वो कह मारे 500 रुपया है के थारे एक 3 किला दूध है बंदी रे तो हमें बाकी हैंग नहीं उड़गो वो कह पांच दिन के बोलू उम्र कहूं है के हूं तो सही एक गायों बढ़ दिया बातों करे इन घर में की लपरो हेटो है के हैं के गायों बल्द बातों करे जटे तो बात की दूजी है के करे कहूं हावड़ हूनो बात ज्ञानू हुनी ठापड़ियों के बैड़ा पया पछ ले हूं अगर ये बातों आची वेगी जनो तो बात देना बल्द ने कहो कि थारे पया की कर भाई पूरा कह दो के काले मार भाई ने लवे जाई की कर के ठाकुर सारो बल्द
और मारे काले भीड़ ते सांटर में ओ ये लो आई सुबह आठ बजते यहाँ टे बुलाओ आ जाई रावड़े उन और भीड़ तो इन मुंह मांगू 500 रुपये उन बल्दर में किन रावड़े आ रहे हैं अने मन देखते हैं हाथी बार करी क्या मांग तो धनी है टोए साबार ना मांगे तो ये बेटू मांग नहीं है टोए अने वो मन देखते हैं जाई परो उन टाइम रे में मारे 500 पूरा इन मुंह छोटे मीज मरू के गान के थारे के मुँह तो हवा दुआर पर इन तीन हवा तीन नहीं करूँ मुँह तो फटाक देने तू निबड़ जाऊँ गरा सौ कहता काले बाबाई कोई कह टोकार लागी हम सौ कहता वे कह रुपया ऊर्जी को नहीं लेना कल दोपहर तो वाट देखनी आ बात अगर हाची है तो फिक्र ना बताया कूद जाओ ना तो वो नहीं रहना बेटो बड़े दिन गायो बड़े रुपया देना पड़ी पाछा कौन देन करे अब वो दिन उगो दिन उगता टाइम लागी ने गारी दुआरी करी दुआरी कनवा गराली बाल्टी लेन घर में गी जिते लारे भचीड़ देनी गा पड़ी हेटी गर्रा के गारे कहूँ यो गारे कोई कह कौन बाडो कोई कह पूछ बाडो नहीं करो के भाई काले भाव आ गई कहूँ थोड़ी देर हुई जिते गा जय श्री राम हमारे बेटी हुनियोड़ी बात है फाइनल आया तो आउट वे को नहीं तो फाइनल लोगों को अब वाह बात पूरी हुई जीते नंबर लागो के एक मिनट ठहरो सा दूध ना पंडो ना पी बिटू एक पॉइंट ही हलो नहीं 3 किलो हवा 3 किलो नहीं के चलो आ तो बात अच्छी होगी जीते रावड़े 8 बजे बिटू आदमी आयो के शेठ साहब घरे हो गए गरीब हूँ तो रावड़े आदेश आयो है कि मारे बैलू थोड़ी आज भिड़ित करानी कि थे कह रिया मारो बैल बहुत मजबूत है ठाकुर साहब के अगर मारे बल्द ने हलावेला तो मारे गांव में थारो बल्द मजबूत बाजेला नहीं जना तो मामलो जमे को वो कैसे आदेश है अब उन बैल ने ले शेठ साहब रो बैल भी गयो गांव में भीड़ दागुड़ी बेटा लोग मीन क्यों बल्द भीड़ में जेटे हाड़ो माती दुबो रहन पड़े पगों भी झिलगा देन वे मीन हाड़ो माती उबा वे देखे हाड़ो तो कम ही जी पहला तो बीतो माती देखता है जना उबा उबा पूरी पूरी लड़ाई देखे कहूँ हेठ साहब रे बल्द देखियो उन्हों पहली वो तो दुगवा मनाया लोग कह रहे ठाक साहब रे बल्द ना गो ठाक साहब के मरियो इन्हें गोली ठोक मार दूंगा कॉमरू कहूँ तो देख ना गो कह ले शेठ 500 रुपया के बेटो वो यूं दबीड़ दें ठाक साहब आप देख लो मोड़े रे बल्द रो आप बेटे रोहा निकलो गो के हजियो अब उन ठाको नहीं वो ठा सिर्फ उन दो आदमी नहीं जो वे दो आदमी हरेक धूका मनाया क्या तू आलू जी की बात करो दो ही बातों हाँची हुई अपन को उनका कुत्ता बनाओ मीना इन घर देन हो जाए इन वहां चटू फुर्ती राखो तो कहने रो तात्पर्य है कि वो प्रलब्ध है जिसको आदमी ने भोगनो शरीर पड़ेला साहब आप पक्की बात राम सुखदास जी महाराज रे गले में कैंसर हो जाना थोमो भक्तों के बाप जी थोड़े भगवान साक्षात्कार वे फिर भी आप रे गले में कैंसर क्यों ओ जन के भाई एक पलक में इन कैंसर ने कहो तो मैं थोड़ा हम ही हावड़ कर सकूं पर मैं हावड़ कर दियो तो मैंने शरीर पांचों धारण करना आवनो पड़ी इन संसार में जिन्हें आदमी ने शरीरों कष्ट भोगनो है उन्हें शरीरों भोगनो पड़े चाहे कुछ भी हो जावे कंठ में कैंसर जो राम सुखदास जी महाराज जड़े तो धोगो साहब तो आपको तो एक साधन आदमी आपको कोई माड़ा फिरन वाला नहीं हो तो इन संसार आदि और व्याधि दो प्रकार की बीमारी आदमी रे लागोड़ी वे व्याधि रोगी वे वो इन शरीर में रोग लागोड़ो वे वो रोग है जैसे शरीर में कोई रोग हो जावे कि नहीं की हो जावे कि नहीं कहीं उन्हें कहे आदि रोग व्याधि रोग और आदि रोग कहे जिसको मन रो रोगी वे मन जिसको रोगी हो जावे आदमी उन्हें क्या करे आदि रोग ना मैं शेरी श्याम की ना कोई मेरो श्याम न कोई मेरा राजा है न कोई मैं राजा री दासी हूं के तो कुणे ना मैं शेरी श्याम की ना को मेरो श्याम ये प्रालब्ध गाओ प्रालब्ध रो मेलो हमारे जिता दिन अन्न खानो अटारो लिखियो उता दिन मैं दासी बनियोड़ी और जिन दिन अन्न खत्म हुयो मैंने जानो पड़ी वो गयो पर तो अन्न खत्म हो गो उन अटू पूर्ति पूरी वेगी जन रवाने वे को कोई ध्यान कर रिया थे महाराज देव की बेटी परे गरी इन कौ था राजा रो बेटो कई चीज वे चलो मैं आलो जो ही मैं प्रवेश करे उन राजकुमारी रानी राजा निर्मोही बेटे री बहु जिन्हें मरनो कहे उन खुदरी लुगई वाह मिल गई महाराज ने देखिया दंडोत प्रणाम बाबूजी तो कहे कि खुश रहो आनंद करो कि आप रो पधारणो की करो यो उनटे में कहे कि तू राजा निर्मोही री बेटे री बहू है कि हाँ बिल्कुल के बेटे री बहू हो तो आपने मैं एक बहुत ही कटु सत्य बताऊने वास्ते आयो हूँ कि फरमाओ आप उनटे में महाराज कहे तू सुनिया बड़ा सुंदरी ए तू सुना बड़ा सुंदरी ए दी क्रिया जो बनमाई जी ए दी क्रिया जो मनमाई जी ए दी देवी वान देवी वान
आन भक्यो जी तारो श्री बलिदान रे। बड़ा सुंदरी भगवान तने बहुत सुंदर रूप दियो है बेटा, पर आज एक थारा ते घटना बहुत बुरी घटी है कि महाराज फरमाओ होयो कहीं कि तू सुना बड़ा सुंदरी तिरिया यौवन में आए, जिनो मुंडो देखन तू रोटी खावती, जिनो नाम लेन तू थारो जीवन गुजारती, वो थारो प्राण नाता दे देवी वाहन, देवी रो वाहन कौन शेर, जंगल में शिकार खेलने गयो एक शेर रो भक्षण बन गो, देवी वाहन आन भक्यो थारो श्री भगवान, थारो भगवान जिन नाम रो श्रृंगार करती वो आज थारो श्रृंगार खत्म, जिन टेम उन्हें डग 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 हसो आयो, महाराज रा रूंगता उगा उगा के पागल होगी कहीं बात है आशे की कर, महाराज इशारो करियो हो यो कहीं के हो यो की कोने बाप जी थाने देख नशू की थे आ बात क्यों नवाज थे मारा हूं खोटी होगा, जिन टेम में कह तो थारे मन में कहीं है तो वहां आपने मनरो भाव बतायो कि सुनो मारी बात है, हे महाराज तपस्या पूर्व जन्म री कोई तपस्या थी जो इन जड़े परिवार इन राज परिवार में मारो जन्म अवतरित हो, तपस्या पूर्व जन्म री, अरे मैं क्या जानू वियोग, हे महाराज वो वियोग मैं नहीं समझ सकूं क्योंकि विदाता ने लिख दिया तो वो लिखण के जोग, विदाता एक ऐड़ो खेल लिखियो है, विदाता जीवन दिया रे पूरी पूरी कलम विदाता री छलियोड़ी है, मारे हारे नहीं है महाराज, अगर चलो गियो तो चलो गियो, महाराज की बेटी नगरी निर्मोही है क्या कोई काला भी उड़ा है, इन्हें खुदरे गर्दनी रे मरनो कहूं तो यहां बिल्कुल देन करी को नहीं, बाके देन करने वाली मैं नहीं उठे धकले पा आलो, जन के जाऊं तो धके पड़ी राजा रे, बेटी री बहू आ बात कही तो उन मन में थोड़ो महात्मा जी रे पर फिर भी शंका घर करी उड़ी बेटी के एड़ो नहीं भेजा के इन मान जान पूछो तो ठा पड़े के निर्मोही है तो मारे मन में ममता है ठा पड़ जाए, तो राजा निर्मोही री खुदरी रानी जो कि उन लड़के री मारे खन भी महाराज जावे, महाराज ने देखते ही कहे गुरु दंडोत प्रणाम, महाराज कहे मौज करो खुश रहो आनंद करो पदारणो की करो यो, कि माता जी एक बहुत ही दुखरी खबर लायो हूं, आप थोड़ी
श्रवण करने की क्षमता राख दो। जन माता जी के आज तक मन तो कोई तकलीफ की हुई को नहीं, क्योंकि जिन आदमी जीवन में आप बात धारण कर ली कि मरना पक्का है, जिन मौत ने पक्की समझ ली उन्हें बहुत कम डर आया करे, आ ध्यान रखनो। अने जिन मौत रो ज्यादा डर आवे कि मैं तो मर जाऊं तो अमर किया रिया हैंग गया जाना फाइनल है, मरनो तो फाइनल है, वो तो फाइनल है फिर भी डर। अरे मरो तो ऐडा मरो कि दुनिया गया पची याद करे, मरे तो घनी रोड माते कुतिया कुकरिया ही घनी है, पर वाली बात नहीं साहब, जिंदगी में अगर मौत है तो कोई एडी मौत मरनो कि आदमी गया पची भी याद करे, एडो काम करन जावे हुआ मौत है साहब। तो महात्मा उन टेमरे में जा और राजा निर्मोही री मां ने कहवे, राजा निर्मोही रे बेटे री मां ने कहवे, जी मैया तुझ में विपुत अति अति माता तुझ में ए विपुत अति एधी सुत खायो मृगराज जी, ए सुत खायो मृगराज जी, अरे हमने भोजन नहीं कियो तेरे मरण के बाद जी, ओ मैया तुझ में पुत्र पाती, अरे शुद्ध खानो राज जी, ये शुद्ध खानो राज जी, हमने भोजन नहीं कियो तेरे पुत्र मरण के बाद जी, हमने भोजन ये नहीं कियो तेरे पुत्र मरण के बाद जी, लिखियो है राजा निर्मोही रानी रे कन्ने जा, और महाराज खड़ा भिया बाबजी ने दंडोत प्रणाम कियो, जद कहे कि मैं आप रे कन्ने बहुत दुख दिए ये खबर लायो कि आदेश करो बाबजी, कहे कि माता तुझ में विपत अति, अति मतलब जिन्हों कोई पार नहीं, विपत अति शुत खायो मृगराज, मृग यानी हिरण, हिरण रो राजा शेर, यानी थारे लड़के ने एक शेर खागो, पर हमने भोजन ना कियो तेरे पुत्र मरण के काज, हे महाराज इति बात कही किन तरीके हूं। अब मारे धके जी की बात पुरुषगारी करी, आप जनो इतनी टेढ़ी हरकत हूं के मां मैं एक सन्यासी हूं, पर आपरे लड़के री जी युवा गति देखी शरीर में देख नहीं सकियो, मन रोटी नहीं पाई, क्या कहीं के पग कटी हाथ कटी मां तो कटी है टुकड़ा कर दिया गया, शरीर तो पाचो आवे जाड़ो राख्यो को नहीं, मैं सिर पे कपड़ा घोड़ो लेन आयो हूं और की लाए को नहीं,
माता तुझ में विपत अति सुत खायो मृग राज, अरे हमने भोजन नहीं किया तेरे माँ पुत्र मरण के काज, थारे पुत्री मौतरे आगे मने भी भोजन नहीं भायो। रानी डग डग हसी, हे महाराज इन जीवन रो अनमोल पल थे गमा दियो, आ बात कहन वास्ते। राजा विचार करियो, वो महात्मा जी विचार करियो, वोन मत हो विधि नगरी निर्मोही, मारे मुंडे वो शब्द निकल गो, समझ लो ये नगरी निर्मोही है, कोई दो राय नहीं, आ तो पक्की बात है। धन्य है मारो भाग जो कि एड़े नगरी रे, एड़े राजा रा और एड़ी रानी रा और एड़ी पूरी नगरी रा मने दर्शन करने रो सौभाग्य प्राप्त हो। मैं जंगल में बैठो पर एरो निर्मोही तो मैं ही कौन, मन ही मोह है उन जंगल में रहू ना, मारे कम कम कुटिया पेड़ है उन पेड़ मन मोह है, पर इन्हें तो क्यों मोह है कौन, आप औलाद हुई मोह नहीं। तो वह रानी रो जवाब सुनो आप, हे महाराज दरखत एक डाला गणा, एक मोटो पेड़ वे गांव रे बारे वे तालाब कने वे कोई कुएर कने बेरे कने बावड़ी कने जटे भी मोटो पेड़ वे, सौंबरी टाइम में आगती पागती रो 50 गांवरा पक्षी आप रानु बड़देर माते ठहरे, सौम व्यजन वे पक्षी आ जावे और सुबह वे अटियों पिला हिंदूरिया वे उड़ उड़ पाचा के दिशाया, वह किन्नी कोई लेनो देनो नहीं, रात बसेरो हैंग लेवे पण हवारो हैंग आपा पर मते उड़न जावे। इन्हीं प्रकार वो संसार और घर और एक पेड़ समान है और इन पेड़ रे माते रेहन वाला पे सब एक पक्षी जीव हो, उड़ता दिशाऊ पक्षी आया जीता दिन प्रलब दे भोग लियो और पक्षी उड़ गयो साहब, इन पतो इन संसार वो नियम नहीं है, वही जो हाची बात आई है क्योंकि आप धारण नहीं करनी चाहो आ बात नहीं, बाकी हाची बात आई जे क्योंकि अपन धारण नहीं वे आ बात, कोई आदमी अपन आ बात कहे क्यों हाचाई वे जी की कड़वी गणी वे, कड़वी आज चीज आप जानो नीमड़ो कड़वो वे जो को कोई खावे कहूं खायो वे तो शरीर कई रोग कट जावे, पर नहीं खावे शक्कर मीठी है वहां खावे ना शुगर रोग वे जा, पर कारण कही है कि मीठी हकरी लागे और कड़वी तो अपन खारी लागे। तो यूं ही संत महात्माओं की बातों जी की सत्य कड़वी या करे और वह कड़वी बात ने कोई सहन करने की क्षमता कम रा क्या करे। दरकत एक डाला गणा और पंछी बेटा आए, रजनी गई पीली भई उड़ उड़ चार दिश जाए, हे महाराज आपा पर दिशाऊ आया आपा पर दिशा, वही पक्षी उड़ गयो माने कहीं लेड़ दे। राजा विचार करियो रे, अब महाराज के वनमति आया तो इन राजा रही परीक्षा तो ले ही लो, अपर हो सके कोई एकादो टारगेट सेट हो ही जाए, उड़े में राजा निर्मोही रे कने जावे। महाराज ने दंडोत प्रणाम रो कहो, हे महाराज आप रो पधारणो की करो, मारो रावले धन्य हो गयो आज आप आ गया। राजा एक बड़ी दुखद खबर लायो, बलवार वहां बात के दुख तो आज तक मन कोई दुख वियो को ना, दुख री खबर बड़कटू लेने आया हो। उन टेम की सुनो राजन, जी राजा तुझने विपत अति जी सुत खायो मृग राज जी, राजा तुझने विपत अति जी सुत खायो मृग राज जी, यदि राजा तुझने नाहक हो जी छिन छिन जाते घड़ी, वासा जगत सदा
हरिद्वार गंगे मात की, बोलो अमर आत्मा की। राजा निर्मोही ने जा और वहां जिंदे मिल में बात कही। राजा मुख से राम कहो, हे महाराज राम नाम रटो। राजा के मैं तो 24 घंटा रटू, एक ही श्वास खाली नहीं जाऊंगू, श्वासो श्वास राम नाम रटे। साहब हमारी टेमरे में बेड़ा रहा संत, एक अंदाजो लगा लीजो, आप अति बीड़ी पियो, अति नशो करो। अगर अलो अलम खाऊना लो आदमी बे, उन्होंने कपड़ा टोंग जुड़ा था कपड़ों में अलम रीन दूध री बा आवे, और अति बीड़ी पिए तो कपड़ों में भी बीड़ियां री बा आवे। इन्हीं प्रकारों अति राम नाम सुमरण शुरू कर दियो तो साहब रोम रोम राम निकलनो शुरू हो जावे। और इन कानों एक चीज सुनियोड़ी, राजपुत्र घरों शरीर शेरगढ़ तहसील में एक राजपुत्र घरे जन्म लियो, पर एड़ी माड़ा फेरी महात्मा जी जिनो कोई पार नहीं। सत्संग में आया मैं भजन गावता, थोड़ी देर बैठा एक पार जान रेस्ट कर ली, मिन कम ही जा घना जन और गावनो थोड़ा जन अर्थ आवनो, हम तो नहीं दिखे गावनी हो जावनो जिन वाह है हुता में ही थोड़ा आडू पाड़ो कर दियो। महाराज रे पाड़ रे कने हुता 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 रे कौन रे में आवाज होनी जी पगों रे कने राम 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 राम, मतलब महाराज रे पगों में आवाज आवे जनवरी वहां मस्ता ना काल रेवे डरता गावे फिर एरा गीत साहब एरा मिनकान देखे ने रूंगता उबा वे जावे। जन अपो तो एक छोटी चीज अपोरी कटे हिम्मत एड़ी कि वारो दीदार कर सको, तो रूंगता उबा होगा डर आयो पागती हुता वन कर साहब हो कहीं नजारो है कि मोरो खन हुता के राम नाम माते कने के राम नाम पेट कने के राम नाम और मुखार बिंदे के होठ बिल्कुल बंद, कोई 1% शरीर में कोई हरकत नहीं। रोम रोम अपन लागे नींद में उता पर रोम रोम राम पुकारा साहब। अर्जुन जी महाराज रे भगवान जिन टेमरे में कहे बिछोना करता उगड़ा एता तो ओडा होता। जने एक दिन रुक्मणी जी कहो कि भगवान थे रथ चलाओ जी कोई मन तकलीफ नहीं है, पना रोज री गुलामी बाप जी इती तो कोई पतिवर्ता लुगई वे वही धनी सेवा को करें जीती थे इन अर्जुन री सेवा करो। कहे कि रुक्मणी तू एक वाला अर्जुन का केश लटके नीचा, तू एक वाला जान आनी ना केशों रखने कौन लगा, अर्जुन रे बाला रखने कौन लगायो, एक एक बाल मु राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण आवाज हुई। रुक्मणी री आंखें मुँह आंसू आ गया, भगवान ओ के तो आ तो रात दिन मारू जाप करियो मारी सेवा में बैठो, मुँह नी सेवा नहीं करूं तो कुनी सेवा वही, मने सेवा करनी पड़ी क्योंकि भगवान बोले मोकू भजे भजू मैं उनको हूँ दासन कोई दास, अरे मने कोई भजतो वे तो मैं वारो दास बन जाऊं, अगर मन में विश्वास वे तो काम बने। जन वो निर्मोही राजा कहवे हे महाराज आप बात बताई हो कि मारे छोरो मारो कोई हो ही कौन मरियो की कर, मु तो अकेला हूं के क्यों कि सुनो मेरी बात। अविनाशी अविनाशी आत्म अचल, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक हेर सब साधन को मूल। मैं तो मूल जेलियो बैठो हूँ पत्तों ने छोड़ दिया की कर, अविनाशी आत्म अचल मैं तो एक आत्मा हूँ और आत्मा के कोई संबंध रिश्ता होता ही नहीं। आत्मा आगू तो जले नहीं, शस्त्रों कटे नहीं, हवाओं उड़े नहीं और पानी गले नहीं, वो आत्मा हूँ मैं तो मारे तो किन की रिश्तो हो ही नहीं सके। अविनाशी हूँ मैं, मेरा विनाश नहीं हो सकता। उन टेमरे में कहो कि राजा निर्मोही ने ए बात सुनी तो महाराज ने शीख देवे कि हे महाराज मने दुख ना इन बात रो योगी थे आ बात बताने वास्ते, उन परमात्मा रे नाम खोटी होगा इन वास्ते मने बहुत बड़ो दुख है। तपिया तप क्यों छोड़ियो मुझे हर्ष नहीं शौक, न तो मने खुशी है न कोई दुख है, वासा जगत सराय का ये सभी मुसाफिर लोग, मुसाफिर कौन है साहब। रावड़े दरबार रे में गेट रे आगे उबो एक चौकीदार, आप अंदाजो लगाई जो केतली बेटी साहू अली गरम बे वे तो गरम गणी चाह पर साहू गरम होनी केतली रो लीड़ ओंजो कौन सी पे साहू अली केतली गरम बे। उन टेमरे में वहां चौकीदार उबो वर्दी पहरी उड़ी राजशाही पाड़ू कोई महात्मा जी निकले आ भाई ये शराय किसकी है, तेन बाबेरी बुद्धि खराबी भोंग पी उड़ी है देखे इतो बड़ो बंगलो बनायोडो है मारे राजा साबरी हवेली है किलो है अनो मूर्ख है का सराय की नहीं है के महाराज आवड़ बोलो आ सराय नहीं राजा साहब रो किलो है कोट है, हमें तो सराय दिख रही सराय है सराय को सराय बोलेंगे
यूं कर तातू मैं हुई कि राजा ने ठापड़ियो राजा के अंदर आओ दोनों दो बुलाए कि भाई महाराज क्यों लड़ाई करी कि महाराज एड़ो गढ़ बनायो आप रे इन गढ़ ने ओ बाबू के सराय असराय की कर भी जबकि महाराजा गलत बात है आप आ क्यों कही जबकि राजा ने ये शराई है जीते महाराज नजर पड़ी दीवारे माते तस्वीरों टोंगी हेंगो माते एक एक माला पेरोड़ी हेंगू हटी ने तस्वीर देखी हाथ में बढ़िया तलवार लियोड़ी ने देखे जनके कोई परदादू जी लागे जनके ये कौन है कि मेरे परदादू जी क्या किलो कुन बनायो भाई के मार परदादू जी बनायो कि वो कहा है कि वो तो चले गए दूजे नंबर के ए मारा दादो शाह है के ए कटे के ए जाता रिया ए तीजे नंबर माते के मार जी शाह है के ए कटे के ए गया पर के तो हम सौती तस्वीर थोड़ी टोंगी जी अटे पते फाइनल है हाँ हैंग है लेन दागुड़ी किला बनाऊनी है तो कदी गया क्योंकि महात्मा लोग कहे नितरा मुजरा हो बता नितरा मुजरा ही हो बता अरे उठे होती सती सोना वो खंडर सोना पड़ा उठ उड़ बेटे का आज स्थिति वहां है साहब कुंटे मेरे में तपिया तप क्यों छोड़ियो मुझे हर्ष नहीं शौक ये वासा जगत सराय का ये सभी मुसाफिर लोग उनके महात्मा जी कहवे की दिन राजा दिन बादशाही दिन दिन देश रे दिन राजा दिन बादशाही दिन राजा वो दिन बादशाही दिन दिन तेरो देश रे वो दिन दिन तेरो देश जी दिन हो तेरे सतगुरु ने तन्हा छा दिया उपदेश जी बोलो हरिद्वार गंगे मात की बोलो हमारे आत्मा लिखियो है दिन राजा दिन बादशाही हे राजन धन्य है थारी बादशाही ने और धन्य है थार राज ने जो कि एड़ी राजशाही कर रही हो क्योंकि ठूंठ जो राजशाही करियो वो राजा एड़ो में संसार में देखियो नहीं है मैंने सुनियो कि भाई आनंद तो कोई शांतियां फकीरी करते हैं पर थारालो आनंद तो कुछ और ही है राजा मैं फकीर हूं साधु हूं पर ओ आनंद मने उठे जंगल में रहने मिलियो नहीं है क्योंकि मैं पक्की बात कोशिश खूब करी क्योंकि मैंने एक बात याद आई घर छोड़ के वन को वास कियो घर छोड़ के वन को वास कियो अरे मन वनवास के त्याग कियो ही नहीं पंचकेश बड़ा धूमित पी नाम कोलियो नहीं सत्संग रंग कमाय दियो सतबोध गुरु कोलियो नहीं दास सतार कै समझ रे मन प्रेम को प्यालो पियो नहीं दास सतार कै समझ रे मन प्रेम को प्यालो पियो नहीं अगर प्रेम रूपी प्यालो नहीं पीजे तो सब कुछ गड़बड़ है हे राजन मैं घर छोड़ियो गांव छोड़ियो धर छोड़ियो गृहिणी छोड़ी सब कुछ छोड़ियो पर माऊं त्याग नहीं वियो और त्याग नहीं वियो जर तक हमारे मन में कीन की खोट रहेगी साहब आ एकदम फाइनल बात है तो राजा इन प्रकार ही निर्मोही करने वाला इन प्रकार ऐडा कोई दूजे गानी भारत देश री भूमि है भरत खंड जगमाई शुभ कर्म भूमि सुखदायिता किए पाप मत